Good morning to all of you. आई होप आवाज मेरी अब तक पहुंच रही होगी. प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता दें. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग. ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है आज हमारा, और अब तक हम लोगों ने लगभग सारे चैप्टर्स इसके कर लिए हैं. तो आज का चैप्टर हमारा है न्यूरल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन. खुश रहिए रुद्रा जी. ओके, थैंक यू. आ रही है आज हमारा 2 बजे 2 से 6 एक मैराथन सेशन भी है, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे. ठीक है, और लगभग 4 घंटे का सेशन होगा. बीच में हम आपको ब्रेक भी देंगे 2-4-5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं है, नहीं तो आप पहले से ही परेशान हो जाइए. बिल्कुल परेशान मत होइए. तो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का यह लास्ट लेक्चर है, तो 2 बजे सेशन में तो हम लोग मिलेंगे ही. फिलहाल इस चैप्टर को भी आइए सॉल्व करते हैं. जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, उनको इन्फॉर्म कर दें, फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, जल्दी करें. बस 2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. Only in 2 minutes. Only in 2 minutes. Very good morning, Shubhangi ji. प्रदीप राजभर नहीं है भैया, कहाँ है इसमें. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. अच्छा, आ गए. खुश रहिए प्रदीप जी, खुश रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए सब लोग. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. प्रदीप जी आ गए तो शुरू कर दिया जाए. द फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन सेरेब्रम मार्क्ड बाय एक्स. फंक्शनल एरिया आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे. रिंकी एरियाज, सोमेटोसेंसरी एरियाज, प्रीमोटर या प्रमोटर कह सकते हैं आप, ब्रोकाज एरियाज. तो अब यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखिए हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, हो सकता है आपको इसका आइडिया ना हो कि ये जो एक्स है ये क्या है. एक्चुअल में पहली बात तो ये फ्रंटल लोब में है, फ्रंटल लोब में है. वेरी गुड मॉर्निंग शिवान्या जी, फ्रंटल लोब में है. दूसरी बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं. आपके आंसर का मैं वेट नहीं करूँगा, ब्रोकाज एरिया कहते हैं, याद रखना है इसको. ठीक है, दूसरी बात ये यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, अगर आप बात करें कि यूजुअली ये कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, एक पॉइंट तो ये. दूसरा काम क्या होता है, तो स्पीच सेंटर है ये, है ना, स्पीच की प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना. तो ज़रूर एक सवाल को अपने डिक्शनरी में जोड़ लीजिए, ब्रोकाज एरियाज, भले ही एनसीईआरटी में ना दिया हो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2. इफ द क्रेनियल नर्व 12 पेयर देन स्पाइनल नर्व. अगर क्रेनियल नर्व 12 पेयर है तो स्पाइनल नर्व क्या होगी. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि एक में 12 पेयर दिया हुआ है क्रेनियल नर्व में, तो स्पाइनल नर्व कितनी होगी. तो सबको पता है स्पाइनल नर्व किस लिए होता है, मतलब कितना होता है, तो 31 पेयर होता है. कितना होता है, 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व. बच्चों इसे नोट करें और आगे बढ़ें. ठीक है, चलिए रीड द स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एंड फाइंड द रॉन्ग वन. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के स्टेटमेंट को पढ़िए और रॉन्ग स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करिए. द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये सेंटेंस सही लग रहा है हमें. द PNS इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ओके, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. सोमैटिक नहीं,
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन ए स्मूथ मसल। बिल्कुल, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले द इम्पल्स टू द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। तो आंसर इज सी एट देयर। एक अच्छा सवाल है ये, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट दोनों आपसे पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ। देखिए, अगर आपने इसके डायग्राम को, हॉर्न वाले डायग्राम को देखा हो एनसीईआरटी में, जो आपके पास स्पाइनल कार्ड का डायग्राम बना हुआ है, तो जो आपका एंटीरियर हॉर्न होता है ये क्या कंटेन करता है? इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, है ना, इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर हम करें, ये फाइबर्स जो होते हैं ना, ये मोटर होते हैं कहीं ना कहीं, एंड एसेंशियल फॉर वॉलंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी। मैं कई बार जब पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि यहीं से खुद ही मैसेज दे दिया जाता है, ब्रेन तक बात पहुँच ही नहीं पाती। तो स्पाइनल कार्ड के में अगर डिसइंटीग्रेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं वॉलंट्री और मोटर इम्पल्स जो हमारा है वो इफेक्टेड हो जाएगा, या यूं कहें रिफ्लेक्स एक्शन कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगा। तो आंसर इज डी एट देयर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, क्या करेंगे आंसर, कौन है ये ब्रेन में? तो कौन है, सेरिबेलम, कार्पस कैलोसम, हाइपोथैलमस, हिप्पोकैम्पस या अमिगडाला? तो आंसर इज द हाइपोथैलमस। ठीक है, हो जाता है, ये सब चलता है। हाइपोथैलमस किसके लिए है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड रिक्वायर फॉर अर्ज ऑफ ईटिंग फूड या ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है डॉक्टर साहब? हाइपोथैलमस, कर दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल वर्किंग ऑफ हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, पैरासिंपैथेटिक जो आपका होता है ये क्या करता है, देखिए साफ बात कि सिंपैथेटिक बढ़ाता है और पैरासिंपैथेटिक घटाता है। हार्ट रेट को पैरासिंपैथेटिक घटाता है, और अगर ये हार्ट रेट को घटाएगा तो पक्का है कि ये कार्डियक आउटपुट भी घटाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी घटाएगा। अब आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं। रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। तो आंसर आ गया है सिक्स का ए आंसर, रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, इंजरी लोकेटेड टू द हाइपोथैलमस मोस्ट वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब्ड। अगर हाइपोथैलमस में इंजरी हो जाए तो सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, या रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताएं जल्दी से। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यस डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर बताएं जल्दी से। यस, सेवन का डी आंसर, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया, गुड, सेवन का डी। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू फॉर मोटर कॉर्टेक्स। हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा गच्चा खाएं, बट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोटर कॉर्टेक्स के बारे में आंसर चाहिए होगा। इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट कंटेन्स पिरामिडल सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट एंड प्रोसेसेस। इट स्टिमुलेट्स वेकफुलनेस। इट रेगुलेट वॉलंट्री मस्कुलर मूवमेंट। देखिए, आप अगर इसको समझें तो ये क्या है, मोटर कॉर्टेक्स इज अ रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो पहला आंसर तो हमारा हो गया सही। ठीक है, अब हमारे दो ऑप्शंस हो गए खत्म। अच्छा जी, ठीक है, अब हमें आगे ऑप्शंस को देखना है कि क्या हो सकता है। इट कंटेन्स पिरामिडल सेल, कॉर्टेक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल विजुअल फंक्शन, यू कैन से कॉर्टेक्स है तो काफी हद तक इसमें चीजें आपको कंट्रोलिंग वाली मिलती हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द थॉट प्रोसेस, यस ब्रोकास जरियाज मिल सकते हैं आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस, आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया आंसर किया है सौम्या गुप्ता जी ने, बिल्कुल सही आंसर किया, गुड। ठीक है,
एंड वेकफुलनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, आंसर इज डी। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, अगर आपको कहीं भी आइडिया नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। 8 का डी आंसर करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन ना पालना। इस सजाइटल सेक्शन, ह्यूमन के ब्रेन को जब कट करते हैं तो सजाइटल सेक्शन कहते हैं, याद रखना सजाइटल सेक्शन, मार्क कर लीजिएगा इसको, बीचों बीच से कट करके दो पार्ट में, सजाइटल प्लेन बोलते हैं इसको, इसीलिए बोला सजाइटल सेक्शन। ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन इन द डायग्राम एटलीस्ट टू लेवल फ्रॉम ए टू डी। बताइए क्या क्या है इसमें। अगर आप देखें डॉक्टर साहब क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ए क्या है हमारा, दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना, ए क्या है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा अगर हम बात करें बी का, तो बी क्या है हमारा, बी वो इज व्हाट, बी इज व्हाट, इट इज थैलमस, यू कैन से इट इज थैलमस, यस। एंड डी इज व्हाट, डी इज नथिंग, इट इज अ सेरेबेलम, क्या है ये सेरेबेलम। अब आंसर आप इतने में तो कर देंगे, ए इज द सेरेब्रम तो नहीं है, 9 में ए सेरेब्रम है कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कह दिया, सेरेब्रम कह दीजिए। देखिए आप इसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं, और ये सेरेब्रम ही कर लो ना, क्योंकि पॉन्स से मैच नहीं करेगा ना, पॉन्स है वैसे, ठीक है, सी भी ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बी सेरेबेलम नहीं है बेटा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, बी सेरेबेलम नहीं है, तो हम बी आंसर करेंगे और ए को सेरेब्रम कह देंगे, एक ही बात है वैसे, आप लोग जानते हैं, ठीक है, बी आंसर कर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कंपोज ऑफ ग्रे आउटर, ग्रे मैटर एंड इनर। वेरी गुड मॉर्निंग अर्सी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड होता है, ग्रे मैटर क्या होता है इनसाइड, और वाइट मैटर जो होता है वो आउटसाइड होता है। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ आउटर ग्रे, नो, इट इज़ कम्पोज ऑफ आउटर वाइट एंड इनर ग्रे, यस, 12 का बी आंसर। Eleven. The human hindbrain comprises three parts, one of which. अगर human hindbrain की बात करें तो उनके पास pons होता है, cerebellum होता है और medulla होता है, pons, cerebellum and medulla. यहाँ पे एक आंसर आपके पास दिया है, उसमें से एक cerebellum है, आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि pons भी होता है और medulla भी होता है, ठीक है, इतनी बातें कम से कम आप इसमें जोड़ के रखिएगा। चल 12, ए पर्सन इंटरिंग इन द एम्प्टी रूम, एक पर्सन खाली रूम में घुसता है, सडनली फाइंड्स ए स्नेक, अचानक उसे एक सांप दिखता है, इन फ्रंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द डोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन टू हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। अब आप बताइए क्या होगा अगर अचानक सांप दिख जाए रूम में घुसते ही, तो डर जाएगा काफ़ी वो, यानी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन, मार्क करिएगा, एक्टिवेटेड एंड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। एक ऑप्शन तो आपका ये है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द, नो, पॉइंट विकार का है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट पैरासिंपैथेटिक, नो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग दिस इज दिस फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस सवाल को आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन कहां से रिलीज होता है। तो ऐसे ही अच्छे सवाल बनते हैं, आप याद रखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा बट आप लिंक नहीं कर पाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला, ये डरने पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। थैंक यू। द ऑप्टिक लोब इन द ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्पोरा पाइजमाइना, एरेनिक्सिया, एलाटा या क्वाड्रीजमाइना। तो आप सब लोग जानते हैं आंसर इज द कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, बेहद आसान सवाल, तो आसान सवाल भी तो एग्जाम में आते हैं ना सर, कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड ब्रेन बैरियर कंसिस्ट ऑफ, ब्लड ब्रेन बैरियर
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर का काम करे, यानी ब्लड के कंटेंट को ब्रेन के कंटेंट से मिलने ना दे, उसी को ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ बोथ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर, नो, रेगुलेट सम एक्सटेंट द पैसेज ऑफ सबस्टेंट फ्रॉम द ब्लड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हम इस बात से कम सहमत हैं। अगले पॉइंट पे आइए, इज एनाटॉमिकली रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल, ये बात हो सकती है। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है दैट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द ईसीएफ और कौन और टिश्यू ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सराउंडिंग और ईसीएफ से कॉन्टेंट होने नहीं देगा, इंडोथेलियल सेल्स को जोड़ने नहीं देगा, कहीं ना कहीं टाइट जंक्शन होगा और ये जब कोई भी चीज़ पहुंच नहीं पाएगी तो ब्रेन को अफेक्टेड भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है ब्लड ब्रेन बैरियर, वर्ड से ही समझ लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द विजुअल टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट अकर्सन, आपको सबको पता है कि ऑप्टिक लोब्स, ऑडिटरी लोब्स, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, मिड ब्रेन में, कहाँ मिलते हैं, कॉर्पोरा कॉर्टिजमाना मिड ब्रेन में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कॉर्पस कैलोसम, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन, किस काम में हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता, चलिए आंसर बताइए जल्दी से, किस काम में हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व नहीं होता जी, स्लीप वेक साइकिल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल या एक्यूरेसी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। अगर आप बात करें स्लीप वेक साइकिल में तो हेल्प करेगा, अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल की बात करेंगे तो करेगा, लेकिन नहीं, स्लीप वेक साइकिल में हाइपोथैलेमस करता है बेटा थोड़ा सा, एक्यूरेसी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट में नहीं करता, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा सेरिब्रम का है, किसका फंक्शन है, सेरिब्रम का है, तो डी आंसर होगा और अब कोई आंसर इसमें नहीं होगा। 17, बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर एक्टिविटी, बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर एक्टिविटी, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता रहा है हमेशा से जी, बताइए, डायनसेफेलॉन, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी लोब या हाइपोथैलेमस, डायनसेफेलॉन, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी लोब या हाइपोथैलेमस, आंसर देखिए यहां पे सेरिबेलम इज द राइट आंसर, शराब इसी पार्ट में इफेक्ट करती है, पैर कहीं और रखते हैं और जाता कहीं और है, द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर व्हिच कनेक्ट द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो कार्पस ल्यूटियम, नो, कार्पस कैलोसम, यस नर्व फाइबर है, ये नर्व है, कार्पस कैलोसम, क्वाड्रिजमाना मिड ब्रेन का पार्ट है, नहीं, सेरेब्रल एक्वाडक्ट यहाँ पे नहीं है, मिड ब्रेन में है, फोरामेन मैग्नम इज ए स्पेस, तो आंसर इज द बी एट देयर, क्या होगा आंसर, बी एट देयर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए, द ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, ब्रेन स्टेम एक सीधाई में बात करते हैं, एक सीधे पोर्शन में बात करते हैं, तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलकर बना होता है, ऐसे अगर आप, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बस इस सेरिब्रम वाले पार्ट को काउंट नहीं करते हैं, है ना, सेरिब्रम वाले पार्ट को, सेरिबेलम वाले पार्ट को काउंट नहीं करते हैं, इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझ जाइए, तो यहाँ पे मिड ब्रेन होगा, हाइंड ब्रेन होगा, ये मिल सकता है, बट सेरिबेलम नहीं होगा, 19 में याद रखिएगा, सेरिबेलम नहीं होगा, तो अब आंसर करिए कैसे भी होगा, तो मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला चलेगा, यहाँ पे सेरिबेलम नहीं होगा, यहाँ पे सेरिबेलम दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे सेरिबेलम दिया इसलिए नहीं होगा, बच्चों यही आंसर होगा, और क्यों सेरिबेलम नहीं है, क्योंकि स्टेम में इसकी क्या ज़रूरत है, इसलिए ऐसा कुछ बना रखे हैं, तो आंसर इज बी, ठीक है, करना ऐसे ही, क्लास में आपको अच्छे से बताया जा चुका है। सेलेक्ट द आंसर विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, देखते हैं कि क्या होगा, यूस्टेशियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट द इंटरनल एयर, आई थिंक मिडिल एयर से कनेक्ट होता है, इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन द आइदर साइड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, सेरिबेलम मिड ब्रेन, सेरिबेलम मिड ब्रेन का पार्ट है, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये मेडुला का फंक्शन है ना,
हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन कंट्रोल टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. यस वेरी नाइस, ये एकदम सही आंसर आपका है और इसमें आप आंसर कर सकते हैं सी इज द राइट आंसर. अगला ब्लाइंड स्पॉट, अब कुछ बचा नहीं पढ़ने के लिए. 21 द नर्व सेंटर व्हिच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग कंटेन इन हाइपोथैलेमस पॉन्स सेरेब्रम या थैलेमस. पीछे चार बार सवाल डिस्कस कर चुका हूँ. आंसर इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है. 21 में ए. गुड. 22 द ऑप्टिक लोब्स इन द ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड कार्पोरा बाइजमाइना. ये सवाल लगभग अभी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, तो सवाल रिपीट था ये, तो इसका मतलब कार्पोरा कॉर्डिजमाइना इज द राइट आंसर. 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. Which of the following is not an effect of sympathetic nervous system? Dilation of pupil, inhibition of peristalsis, elevation of blood pressure, stimulation for saliva secretion. Sympathetic में क्या होता है, जब भी आपको डर लगता है तो sympathetic nervous system activate हो जाता है, तो आंखें बाहर आने लगती हैं डर लगता है तो dilation of pupil, peristalsis रुक जाती है, बिल्कुल सही है, एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, धड़कन काफ़ी आपकी तेज़ बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइए लंच या डिनर कर लें, ऐसा करने का बिल्कुल आपका मन नहीं होता, यानी सलाइवा सिक्रीशन नहीं होगा. ये आंसर आपका क्या है, गलत है, ठीक. 24 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टम. क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है तो ये बता दीजिए. मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन ओनली. तो जब भी कभी ये सवाल आपको आए तो आप याद रखना कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होगा. सेरेबेलम को हम एक्सेप्ट रखते हैं, तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम, ठीक है. तो आंसर इज ए. अपनी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ रहिए, क्या पता किस प्रारूप में आपसे सवाल पूछा जाए. 25 द नंबर ऑफ ऑक्सीपेटल, द नंबर ऑफ ऑक्सीपेटल कंडाइल इन मैन आर. अगर आप ऑक्सीपिटल कंडाइल की बात करेंगे तो आपके पास कितने ऑक्सीपिटल कंडाइल हैं, तो टू ऑक्सीपिटल कंडाइल है, याद रखिएगा टू. तो आंसर इज टू ऑक्सीपिटल कंडाइल. फ्रॉग में मोनोकंडाइलिक कंडीशन पाई जाती है. ऑल सेंसरी पाथवे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिनेप्स एट द. ऑल सेंसरी पाथवे कहां पे सिनेप्स करेगा के सेरेब्रल कॉर्टेक्स. All sensory pathway to the cerebral cortex synapse at the, I think pons, ठीक है, I think pons होगा, चेक कर लेना, और कोई पॉइंट इसमें नहीं है. Yes, diagonally. The part of human hind brain that is responsible for hand-eye coordination. कौन सा पार्ट है जो हाथ और आंख दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेता है. इवन आपने देखा होगा कुछ लोग दौड़ते रहते हैं, रनिंग, टाइपिंग, दौड़ते भी रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, टॉकिंग भी करते रहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग स्नेह जी, वेरी गुड मॉर्निंग. तो कहीं ना कहीं हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन है. आपने देखा होगा कुछ लोगों को उनका हाइंड ब्रेन काफ़ी एक्टिवेट होता है, वो तो कई भी काम कर लेते हैं, टेलीविज़न भी देख रहे होते हैं आँखों से और हाथों से स्वेटर बुन रहे होते हैं और जुबान से बात कर रहे होते हैं, तो एक साथ तीन तीन काम कर रहे होते हैं. इसका मतलब है कि उनका सेरेबेलम काफ़ी स्ट्रांग है ना, उनका सेरेबेलम काफ़ी स्ट्रांग है, याद रखिएगा. तो आप कह सकते हैं स्ट्रांगेस्ट सेरेबेलम पजिंग पर्सन दिस. इंजरी टू द वेगस नर्व इन द ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट टंग मूवमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन या कार्डियक मूवमेंट. बताइए अगर वेगस नर्व इफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, टंग मूवमेंट इफेक्ट होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट इफेक्ट होगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन या कार्डियक मूवमेंट, क्या इफेक्टेड होगा. तो देखिए आपको हम बताएं, वेगस गैस्ट्रिक पार्ट तक जाती है, पैंक्रियाटिक में जाएगी तो फिर हार्ट को इफेक्टेड करती ही करती है, टंग में बिल्कुल नहीं जाएगी. आंसर आ चुका है, टंग में ये नहीं जाएगी, नहीं सी टंग में नहीं जाएगी. 28 का ए आंसर होगा. और यहाँ पे फिर कौन आएगा, तो यहाँ पे आएगी एक दूसरी नर्व है जिसका नाम है हाइपोग्लॉसल. क्या नाम है, हाइपोग्लॉसल. आप सबने नाम सुना होगा हाइपोग्लॉसल का, वो आके इसको इफेक्ट करती है, ठीक है, बिल्कुल सही, हाइपोग्लॉसल. एनी डैमेज टू द प्रीफ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रम विल
प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट। देखिए यहाँ पे प्री फ्रंटल है, फ्रंटल भी नहीं है, तो हियरिंग तो नहीं रही, स्पीच भी नहीं रही। अब देखिए पर्सनालिटी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो पॉस्चर इज द राइट आंसर। एक बात यहाँ पे क्या होता है ना कि मूवमेंट कर मतलब प्लान करता है मूवमेंट के लिए, पॉस्चर वर्ड जो है ये किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे वो इस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि और दोनों पार्ट का यहाँ कोई मतलब है नहीं। और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं जब फ्रंटल में, तो आपको मिलता है स्पीच के लिए ब्रोकास एरियाज, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर आप ऑप्शन को डिलीट कर पाते हैं, एमयू वालों का सवाल है तो आप जानते हैं कि इनका लेवल कैसा होता है, तो स्पीच में और पोस्चर में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी किसी में कन्फ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। 30 एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस इज प्रेजेंट ऑन, आसान सवाल है, कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो फ्लोर ऑफ द डायन्सेफेलॉन, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, फ्लोर पे नहीं पाया जाता, ये रूफ पे पाया जाता है ना, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे ऐसा कुछ है नहीं। रूफ ऑफ डायन्सेफेलॉन, मैं फिर कर दूं, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, रूफ ऑफ डायन्सेफेलॉन आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब आप ये आंसर कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप कम से कम आंसर जरूर याद रखें, मान लीजिए कभी कोई सवाल अप एंड डाउन करके आपसे पूछ लिया जाए तो आप एटलीस्ट कर पाएं, ठीक है। कर्नाटका सिटी का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आ सकता है। 31 इन द डायग्राम ऑफ द लेटरल व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय, क्या होगा आंसर 31 में, क्या आंसर करेंगे आप। 31 ए आपका क्या है, फ्रंटल, बी क्या है, बी ए फ्रंटल, बी टेम्पोरल, ठीक है, सी सेरिबेलम, बच्चों नोट कर लेना, ए फ्रंटल, बी टेम्पोरल, सी ये आपका ये वाला पार्ट सेरिबेलम, और ये आपका क्या है मेडुला, ठीक है, दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मेडुला, और ये आपका क्या होगा पेराइटल लोब, और ये आपका क्या है फ्रंटल लोब, और ये आपका क्या है टेम्पोरल लोब। आंसर बता दीजिए ना, 31 का डी, बिल्कुल 31 का डी। चलिए माइलिन सीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन सीथ किससे प्रोड्यूस्ड होती है, तो एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट नो, ऑलिगोडेंडोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट नो, ये तो बोन ईटिंग सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल है, एस्ट्रोसाइट नो, श्वान सेल एंड ऑलिगोडेंडोसाइट, बिल्कुल सही आंसर है, माइलिन सीथ को बनाने का काम करता है श्वान सेल एंड ऑलिगोडेंडोसाइट, प्लीज याद जरूर रखिएगा। 33 द माइलिन सीथ अराउंड द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाई ए विच टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, माइलिन सीथ जो एक्सॉन के चारों तरफ बनती है वो न्यूरोग्लियल सेल के किस सेल से बनती है, तो सेटेलाइट ग्लियल सेल, रेडियल ग्लियल सेल, डेंड्रोसाइट्स या श्वान सेल, तो सभी लोग आंसर कर सकते हैं, श्वान सेल इज द राइट आंसर एट देयर, श्वान सेल, श्वान सेल। चलिए बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन द, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं जल्दी से बता दीजिए, बाइपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन, तो सभी लोगों को आपको पता होगा कि बाइपोलर न्यूरॉन आपके जो हैं वो रेटिना में पाए जाते हैं, आई होप ये बात आपको पता होगी। और अगर आपसे बात करी जाए कि यूनिपोलर कहाँ पाया जाता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है यूनिपोलर, और मल्टीपोलर कहाँ पाया जाता है, तो मल्टीपोलर आपको मिलता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो आप चाहें तो एक बार जरूर याद रख लें, मल्टीपोलर भी याद रख लें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सीसी, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बाइपोलर रेटिना में, ठीक है। चलिए आगे आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सिक्रीट एडनेलिन, देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एडनेलिन सिक्रीट नहीं करता, एसिटिल कोलिन सिक्रीट करता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद द श्वान सेल विच फॉर्म्स ए माइलिन सीथ अराउंड एक्सॉन, ये ठीक लग रहा है मुझे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तीसरा भी पढ़ते हैं कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल दैट इज डज नॉट फॉर्म्स बाय माइलिन सीथ, फिर से पढ़ लेते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इंक्लूड बाय श्वान सेल दैट इज नॉट फॉर्म्स बाय माइलिन सीथ, ठीक है। स्पाइनल कार्ड एंड क्रैनियल नर्व आर मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जी नहीं ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर होते हैं, ये आपका गलत है, तो पहला और चौथा गलत है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, आंसर बता दीजिए जल्दी से। आई थिंक नो 1 2 3 करेक्ट, नो बेकार का पॉइंट है, 3 4 करेक्ट, नो 1 4 करेक्ट, नो आंसर इज ई,
क्वेश्चन नंबर 36, एंड प्लेट जंक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एंड प्लेट जंक्शन। आप याद करिए, जब मैंने पीछे मसल पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको मोटर एंड प्लेट पढ़ाया था, और उस दिन मैंने आपसे कहा था मसल और न्यूरॉन का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब मसल और न्यूरॉन की मुलाकात है यहाँ पे, पहली बात, या CNS कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं। तो आंसर इज ए, एक अच्छा सवाल ये भी है, न्यूरॉन एंड स्ट्रिएटेड मसल, याद रखिएगा बच्चों। 37, इन द रेटिना बाईपोलर न्यूरॉन, इन द रेटिना बाईपोलर न्यूरॉन सिनेप्स विथ, कर दिया आंसर बच्चों। 37 का, 37 का आंसर बताइए, 37 का बी, बी बी करिए भाई, सी क्या कर रहे हैं। गैंग्लियानिक सेल एंड एमक्रैन सेल होता है, अच्छा क्या कर रहे हैं आप लोग, सी कर रहे हैं, 37 का सी, सेंसरी सेल एंड गैंग्लियानिक सेल, बाईपोलर न्यूरॉन सेंसरी सेल एंड गैंग्लियानिक सेल, एमक्रैन सेल नहीं, नहीं ठीक है, गैंग्लियानिक सेल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, होता है एमक्रैनिक भी है ना, गैंग्लियनिक सेल कर लो, ठीक है ठीक है। चलिए 38 का आंसर बताइए, बस एक मिनट बेटा टाइम दीजिए, आ रहा हूँ एक मिनट बस। कुछ अर्जेंट काम की वजह से रुकना पड़ा, क्षमा चाहता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, आप आइए 39 पे, 38 का आंसर हमने आपको बताया नहीं, एक सेकंड बेटा, 38 का आंसर आप नोट कर लीजिए, 38 का आंसर होगा सी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसी पे आपको मिलता है रिसेप्टर, ठीक है, बस दो मिनट बेटा टाइम लगा, लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है, तो 39 में आइए, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट,
यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल किस वजह से हो सकता है जल्दी बता दीजिए, यूनिडायरेक्शनल क्यों हो सकता है जल्दी बता दीजिए। तो नर्व फाइबर इज इंसुलेटेड बाय मेडुलरी शीथ, ये हो सकता है, या सोडियम की बात करें, सोडियम पंप स्टार्ट ऑपरेटिंग। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, देखिएगा, यस 39 का डी आंसर आ गया, ग्रेट। न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय द डेंड्राइट्स, यही आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा। और इस वजह से कंटिन्यूएशन चलता रहता है, सिंगल डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन चलता रहता है ना, कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आयन इन्वॉल्व इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, कौन सा आयन है जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, या Mg+2 या पोटेशियम। तो आंसर इज, आई थिंक आंसर इज द कैल्शियम, करो बच्चों जल्दी से फट से, आंसर इज ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 41 में, 41, द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमिटर एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज, प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमिटर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे डोपामिन, नो, एड्रेनालिन, नो, एसिटिलकोलिन, यस एसिटिलकोलिन, यही है प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमिटर। और इसको हमेशा याद रखिए, आपके एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सोली एज एन इनहिबिटर ट्रांसमिटर, कौन सा इसमें से इनहिबिटर है, 42 में बता दीजिएगा कौन सा इनहिबिटर है। तो नॉर एपिनेफ्रिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, एसिटिलकोलिन, या डोपामिन। तो गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड यानी कि गाबा, गाबा आपका क्या है भैया, गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमिटर, क्या है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमिटर, गाबा इज द राइट आंसर एट देयर। 43 में आइए, आसान आसान सवाल है ये सब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन, इसको याद रखें, नॉर एपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन, कैटिकोलामीन, ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, फिनाइल एलिनिन, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, या मोना अमाइन वैक्सरेज। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसका आंसर है बी, फिनाइल एलिनिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है बच्चों, ये कहीं नोट कर लो, नहीं डोपामीन नहीं होता है, आप गाबा करिए। 44, विच ऑफ दीज एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमिटर इन ब्रेन, अगर 44 में बात करें एक्साइटेटरी कौन सा होगा, एक्साइटेटरी, 44, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, या एस्पार्टेट। तो आंसर इज ग्लूटामेट, क्या होगा आंसर, ग्लूटामेट, सी इज द राइट आंसर एट देयर। ग्लाइसिन और गाबा ये दोनों इनहिबिटरी हैं, ठीक है, इसलिए आंसर हम लोग यहां पे सी करेंगे। 45, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, 45 का पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए पूरा, ऑप्शंस पढ़िए और आंसर बताइए, सुन। चलिए 45 का ई आंसर कर दिया है लोगों ने, 45 का ई आंसर, और यही आपका आंसर सही भी है, गुड। आइए अब देखिए, इसमें सवाल पूछा था रॉन्ग रिगार्डिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन 45 में, तो रॉन्ग में हम कैसे करेंगे, ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द एग्जॉन मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पॉजिटिव होना चाहिए और इनर सरफेस नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तो इसलिए ये आंसर आपका गलत हो गया, रेस्ट इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। 46 बताइए, द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज आयंस, किस आयन के इन्फ्लुएंस में होगा, बढ़िए जल्दी से बताइए आंसर, Cl- Fe+, S+, कैल्शियम डबल प्लस,
MG डबल प्लस या SR डबल प्लस? जल्दी बताइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें भाई। आसान है महाराज, कैल्शियम करेगा, कौन करेगा? कैल्शियम करेगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में कैल्शियम यहाँ पे आपको हेल्प करके दे देगा। ठीक है, 46 का सी आंसर। 47 बड़ा सवाल है, पढ़िए आराम से बैठ के, समय दूंगा आज जो क्वेश्चंस आपके लिए बड़े हैं, क्योंकि सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एन इन्वेस्टिगेटर प्लेसेस एन आइसोलेटेड न्यूरॉन इन ए कैल्शियम फ्री मीडिया, गिव्स द न्यूरॉन ए सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सारे सवाल का जो खेल है वो इसी में है, कैल्शियम फ्री मीडिया गिव्स द न्यूरॉन ए सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड देन परफॉर्म एन एसे टू टेस्ट वेदर न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिलीज इन टू द मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स वुड यू प्रोडिक्ट? नो न्यूरो ट्रांसमीटर इज डिटेक्टेड सिंस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन टू द सिनेप्टिक नर्व इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर। जल्दी से बताइए आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ डॉक्टर साहब, देखते हैं इस सवाल का आंसर सही करते हैं आप या क्या करते हैं। क्वेश्चन बड़े हैं बट करना तो पड़ेगा ना बेटा, एग्जाम के सवाल हैं, क्वेश्चन बड़े होते ही हैं, और ऐसे सवाल में ट्रिक्स है बस। सवाल में बिल्कुल सही आंसर आ गया 47 का, ये सवाल में देखिए बहुत इसी में छुपा हुआ है, कैल्शियम नहीं है अगर तो न्यूरो ट्रांसमीटर इज डिटेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि सिंस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन टू द सिनेप्टिक नर्व इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। सो दैट्स वाई आंसर इज द ए, नो कैल्शियम नो न्यूरो ट्रांसमीटर इज डिटेक्टेड सिंस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन टू द सिनेप्टिक नर्व इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। कैल्शियम चाहिए ही चाहिए बच्चों, भले ही कितना बड़ा हो बट छोटा सवाल लगता है ये। ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ During synaptic transmission of nerve impulse, neurotransmitter is released from synaptic vesicles by the action of ions. Choose the correct P and Q. हमने पहले ही आपको बता दिया है, पहला कौन होगा? एसिटिलकोलीन, आयन कौन होगा? कैल्शियम। बिना पढ़े आंसर मारिए ए। हर सवाल में इतना सम्मान देने की जरूरत ना है। 49. When neuron is in resting state, That is not conducting any impulse, the axonal membrane is. जब भी न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी कि इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा बताइए जल्दी से। कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। बिल्कुल सही बात है, डी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन इज नोन एज, फिर से सुनिएगा, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन, यानी पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक्साइट होके कुछ काम करें उसके पहले की कंडीशन क्या होती है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये लगभग होता है -70 mV। ठीक है, -70 mV रेस्टिंग पोटेंशियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन इज कॉल्ड, एक्सॉन और डेंड्रॉन के जंक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसके जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व, नहीं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नहीं सिनेप्स या सिनेप्टिक वेजिकल्स। तो सिनेप्स इज द राइट आंसर बच्चों, सिनेप्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इन द डायग्राम ए बी सी डी ई दिया हुआ है, पहचानिए कि क्या है ये। तो डायग्राम में इसमें याद रखिएगा 52 में आपका जो ए है, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल है बेटा। और अगर आप बी की बात करें तो दिस इज द सिनेप्टिक वेजिकल, क्या है ये? सिनेप्टिक वेजिकल। अगर आप सी की बात करें, इसकी बात करें स्पेस इसमें, तो दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डी की बात करें तो रिसेप्टर, और ई की बात करें तो इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होगा। तो आंसर इज बी एट देयर, क्या होगा आंसर? बी एट देयर इज द राइट आंसर।
53. In a modulated nerve fiber, the conduction of impulse is faster due to presence of pericytes, endoneurium, epineurium या myelin sheath and node of Ranvier. क्यों फास्ट होता है मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर में, उसके पीछे का आंसर चाहिए होगा. पेरिसाइट्स नो, इंडोन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम नो, माइलिनिस आपको सबको पता है कि जब माइलिन सर सीथ और नोड ऑफ रेनबियर, मैं जानबूझ के इस तरीके से बना रहा हूँ कि आप इसे कर पाएँ, बस इतना टारगेट है यहाँ पे इतना. तो साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से काफ़ी फास्ट हो जाता है बच्चों, साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से फास्ट हो जाता है. ठीक है, ये आपकी मैलिनेटेड हो गया और ये आपका नोड ऑफ रेनबियर हो गया. ठीक है, देखिए आंसर. यस, आप लोग आसानी से आंसर करके डाइजेस्ट कर चुके हैं. 54. द नर्व ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द सिनेप्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, अब तो आदत सी हो गई है एसिटिलकोलीन के साथ रहने की. ठीक है, मतलब क्या हुआ, एसिटिलकोलीन इज द राइट आंसर. नर्व इंपल्स ट्रांसमीटर हो रहा है, नर्व का ट्रांसमिशन हो रहा है, सिनेप्स पे किससे मुलाकात होगी, तो भैया एसिटिलकोलीन से मुलाकात होगी, मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसमीटर ये. ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, फिर से सुनिएगा, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल, सिंपली जब हम रेस्टिंग में होते हैं तो कोई बात नहीं, एक्शन पोटेंशियल किस वजह से डेवलप हुआ है. तो पहले सोडियम अंदर नहीं आ पाता था, जैसे ही स्टिमुलस मिला होगा अंदर आना शुरू होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में. पोटेशियम एंड फ्रॉम इंट्रा टू एक्स्ट्रा, नहीं पोटेशियम से कुछ नहीं होने वाला भैया, अब हमें सोडियम अंदर चाहिए. तो सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है इस केस में, और ये आंसर हो जाएगा बी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. नर्व फाइबर गेट डीपोलराइज व्हेन इट एक्वायर गेन गेट डीपोलराइज्ड, एक होता है पोलराइज्ड, इसके बाद डीपोलराइज्ड, उसके बाद रीपोलराइज्ड. तो डीपोलराइज में क्या होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव, और पोलराइज्ड में क्या होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव. अब आंसर ढूंढिएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन इनर साइड, 56 का आंसर ए बेहतर है. फ्लड ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पढ़ी लिखी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं आप लोग. चलिए बहुत बढ़िया. 57. द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ट्रिगर बाई पैसिव मसल मूवमेंट इज द, सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, सवाल बहुत आसान है. सही, आप सभी लोगों ने आंसर किया है, दैट्स ग्रेट. 57 का डी. देखिए ये जो आपसे कह रहे हैं ना कि स्ट्रेस बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स की, तो ये पटेलर रिफ्लेक्स आप कहिए या फिर आप इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहिए, नी जर्क भी इसी में आता है, नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क भी इसी का एग्जांपल है. तो आंसर इज डी एट देयर. इसमें क्या होता है, जब भी हल्का सा टच करते हैं तो लोअर जो आपका लेग है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, आपने देखा होगा ये, करके भी आप देख सकते हैं. 58. ऑल मोटर न्यूरॉन आर एफरेंट नर्व फाइबर या एफरेंट न्यूरॉन, सॉरी. तो क्या होगा, ऑल मोटर आर एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, नीजर्क, यस यस. मोटर न्यूरॉन आर कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन, स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन ऐसा तो नहीं होता, CNS से मिलता है ना, तो स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन तो ना कहिए इसको. तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग आंसर, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. नो, assertion इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग. ये आसान सवाल है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. 59.
पुट द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन करेक्ट ऑर्डर बिगनिंग विद द सेंसरी रिसेप्टर। 59 में क्या आंसर करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे हम? सबसे पहले क्या आएगा, ये एक्चुअल में जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो स्पाइनल कार्ड वाला, उससे दो तीन क्वेश्चन हैं इसमें। एक क्वेश्चन तो ये आपका है, सबसे पहले सेंसरी इनपुट होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, उसके बाद फिर उसको सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा, उसके बाद फिर उसे इंटर न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन से एक्शन की बात करेंगे और फिर अफेक्टेड होगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये, मैं फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहले सेंसरी, देन उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन डिसेक्ट करेगा, देन इंटर न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। प्लीज़ वो डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा जाके, और आंसर इज शायद ए हो जाएगा यहाँ पे। अभी इस पर एक दो सवाल और भी है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज, सलाइवेशन, स्वेटिंग या विदड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन द टचिंग सम हॉट ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूँ, स्वेटिंग ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल इवेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। आप लोग जानते हैं जब हमको गर्मी लगती है तो हम स्वेटिंग से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इट इज़ नॉट द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन अप्लीकेबल टू कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स जिसमें हम, जिसको हम बाद में सीखते हैं, लर्निंग के द्वारा सीखते हैं, वो हो सकता है। तो एक्वायर्ड बाई प्रैक्टिस और लर्निंग, यस बिल्कुल सही। नॉट एक्वायर्ड बाई बर्थ, हम बाई बर्थ से लेके इसे नहीं आते। Does not abolish by lack of practice. Practice चाहिए होता है, और ये practice नहीं होगी तो दिक्कत होगी। Participation of cerebral cortex, yes, दिमाग का इस्तेमाल करके सीखते हो इसको। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर इज बी एट देयर। इसको टर्न करके, ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया है, और ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस बी, ठीक है। अब इसी सवाल का हम लोग, अभी मैं पीछे आपको समझा रहा था कि यहाँ पे ए से स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आएगा, ठीक है। दोबारा स्टिमुलस आने के बाद अगर हम बात करें तो ये फिर हमारा रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्ट करेगा चीज़ों को, और फिर सेंसरी न्यूरॉन से हम इसको पहचानेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब इंटर न्यूरॉन बीच में है तो वो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम कह देंगे मोटर न्यूरॉन ने इस पे एक्शन की बात करी, और फिर ये इफेक्टर हुआ और फिर रिस्पॉन्स आ गया। तो स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी, यहाँ इंटर न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, देन रिसेप्टर, देन इफेक्टर, ठीक है। ये आप बाद में रिस्पॉन्स हो गया, तो इफेक्टर देन रिस्पॉन्स, याद रखिएगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, इफेक्टर। बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, और इसको बिल्कुल लीव मत करना, एक अच्छे सा अच्छा सवाल यहाँ बन सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिलेगा इन सारे सेशन से जो हम करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज, सबसे पहले बच्चों स्टिमुलस बोले, देन सेंसरी, देन मोटर, देन रिस्पॉन्स, तो ए आसन हो गया। देखिए एक सवाल कितनी बार पूछा गया, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मन कम करता है इसको करने का, बट करिएगा जरूर। 64, वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स, टाइंग योर शूज लेसेस व्हाइल टॉकिंग टू अनदर पर्सन एंड नॉट लुकिंग एट दम। सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं कि आप अपना शूज के लेसेस बांध रहे होते हैं और दूसरे को बात कर रहे होते हैं बिना देखे हुए। वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ ए फेवरेट फूड, क्लाइंबिंग अप ए स्टेयर्स इन द डार्क विदाउट स्लमिंग, ये है ठीक है, बट डी आंसर, क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस देम, ये आपका सबसे बढ़िया आंसर होगा यहाँ पे, डी। आंखें आपकी बंद हो जाती हैं, आंखें आपकी चौंधिया जाती हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, है ना। चलिए 65, फाइंड द करेक्ट मैच, टेक्टाइल, अगर हम टेक्टाइल की बात करें तो इट फॉर टच, टेक्टाइल फॉर टच, ए थर्ड गलत हो गया, और ये एक्चुअल में बेटा ट्रिगिडो है, ट्रिगिडो है, ये चेक कर लेना, ये ट्रिगिडो है, ट्रिगिडो रिसेप्टर फॉर कोल्ड, किसके लिए है, फॉर कोल्ड। तो बी का फोर, अब बी का फाइव दिया तो ये भी गलत हो गया, और डी का फोर भी नहीं हो सकता, तो सी का वन होगा आंसर। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया आंसर किया है सौम्या जी ने, ग्रेट। सी, सी का वन, गैस्ट्रो रिसेप्टर फॉर टेस्ट, ठीक है, गुड। गुड विजन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड,
सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम द कैरोटीन. ओके. फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट. ठीक है. रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन ए. रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट. फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट. 66. दूसरा गलत है. रेटिना की बात होनी चाहिए यहाँ पे. और रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटोपिगमेंट. ऑल नहीं होता. तो वन एंड थ्री. यस बिल्कुल, वन एंड थ्री इज द राइट आंसर. 67. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. नॉसिस रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द प्रेशर. कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकता है. हो जाए हो. मिजनर्स कार्पसल्स आर द थर्मो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर इन द ह्यूमन आई आर डी पोलराइज ड्यूरिंग द डार्कनेस एंड बिकम्स हाइपर पोलराइज रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस. बिल्कुल, डीपोलराइज हो जाता है डार्कनेस में और हाइपर पोलराइज हो जाता है लाइट में, और लाइट में इसीलिए अच्छे से हमें दिखता है हमारी आंखों से. ठीक है. एक अच्छा सवाल, याद करने वाला मेरे लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है. ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना. 68. फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ. फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ऑप्शन एंड रेटिनल. ट्रांसड्यूशन नो. गोनोसिन नो. ऑप्शन रेटिनल. ओके. दिस इज अ प्रोटीन एंड दिस इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड. आंसर इज डी एट देयर. क्या होगा आंसर? डी. द विजिबल पोर्शन ऑफ द आई इज. आंखों का विजिबल पोर्शन क्या है? तो आंखों का विजिबल पोर्शन ये बेटा आयरिस है. ये एन और आई घट आर और घुस जाता है अक्सर एक में, तो आयरिस होता है. आयरिस होता है. ये स्पेलिंग इसकी एक साथ मिल गया, तो आंसर इज बी, आयरिस. आयरिस. चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट. ओके. इन रेटिना द रोड हैव द फोटोपिगमेंट रोड ऑप्शन व्हाइल कोन हैव द डिफरेंट फोटोपिगमेंट. ठीक है. रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी. नो, विटामिन ए. रोड ऑप्शन इज पर्पल रेड प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन द रॉड ओनली. ठीक है, बिल्कुल सही. सी आंसर हो गया. 71. द येलोइश पिगमेंट स्पॉट एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द ह्यूमन आई. जब भी आप इस डायग्राम को देखते हैं तो पोस्टीरियर पोल पे आपको एक स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर मिलता है एंड दिस स्पॉट इज नोन एज फोबिया सेंट्रलिस. भी यहीं आपको मिलेगा. एंड दिस इज द मैकुला ल्यूटिया. क्या बोलते हैं इसको? मैकुला ल्यूटिया. येलो स्पॉट कहते हैं. क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट. बेस्ट विजन एट देयर. येलो स्पॉट. ठीक है बच्चों. 72. ए पार्ट ए बी सी डी. अगर ए बी सी डी के पार्ट की बात करना चल रहे हैं हम लोग. ए क्या है हमारा? एक्वासमर. ए क्या है? एक्वासमर. एक्वासमर कह लीजिए. मतलब ए कहने का मतलब है यहां पे कि ये वाला पार्ट, ए इन द सेंस पहला पार्ट की हम बात कर रहे हैं. तो ये हमारा हो जाएगा एक्वश. तो इसके बारे में पूछा नहीं. तो सी इज व्हाट? एक्वश चैम्बर. ठीक है. तो सी एक्वश चैम्बर. रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच डज नॉट पास थ्रू द लेंस. बेकार का पॉइंट है. कोरोइड इट्स की अगर हम बात करें, कोरोइड की बात करें तो कोरोइड इट्स एंटीरियर फॉर्म्स अ सिलरी बॉडी. नो. ए इज रेटिना. बिल्कुल लास्ट की है, लास्ट पार्ट. कंटेन फोटो रिसेप्टर. यस बिल्कुल सही. देखें आंसर किसी ने किया. बिल्कुल, आप लोग तो बहुत तेज आंसर करते हैं. 72 का सी आंसर हो गया डेफिनेटली. चलिए नेक्स्ट पे आइए. 73. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर फंक्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट इन द डायग्राम. बिलो लेबल पार्ट. लेबल पार्ट 73. देखिए 73 में ए ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे इमेज फॉर्म है. नो. बी फोबिया. नो विजुअल एक्टिविटी होती है. सी कॉर्निया हेल्ड लेंस इन प्लेसेस. नो. डी आयरिस विजिबल कलर्ड. यस बिल्कुल. अभी पीछे हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे बात किया था कि आंखों का जो रंग है वो आयरिस बताता है. 74. ऑर्डर ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ द सेल्स इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई. तो जी बी पी याद कर लीजिएगा, जहाँ तक मैंने याद कर रखा है. जी बी पी.
गैंग्लियोनिक सेल बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर, गैंग्लियोनिक सेल बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर, ये सवाल बहुत पूछते हैं। और यहाँ पे आपको इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है, आउटसाइड अगर इनसाइड पूछ लिया जाए तो PBG ऐसे याद कर लेना, पबजी आजकल चल रहा है काफी, ठीक है, तो याद कर लेना, पबजी से याद कर लेना, आउटसाइड टू इनसाइड, और बाहर से अंदर जाते हैं उसमें शायद गेम में। चलिए 74 का सी, सी अभी GBP देख ले भैया, आंसर देख लो भैया, आंसर 74 में देख लो, BC जो भी दिया मुझे, सॉरी सी हो जाता है सी। चलिए नेक्स्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई रेटिना, इनर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन आई रेटिना, बिल्कुल सही आंसर, फटाफट कर दो, डी इज द राइट आंसर, इज द रेटिना। 76, लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ आई आर प्रेजेंट इन, लाइट सेंसिटिव रेटिना अगेन, लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना अगेन। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज नो ब्लड सप्लाई इज देयर, कॉर्निया में ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता क्योंकि इस ब्लड सप्लाई यहां पे नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक। 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड कोन सेल ऑफ आवर आर्टरी और रेटिना, ओवरऑल फंक्शन रॉड सेल, विजन इन पुअर लाइट, लाइट कलर विजन इन द डिटेल विजन इन द ब्राइट लाइट, हमें तो ठीक लगा भैया पहला ही सेंटेंस आपका। डिस्ट्रीब्यूशन मोर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ रेटिना, नो, विजुअल एक्टिविटी हाई रात में, नहीं, विजुअल अडॉप्शन, नो, आंसर इज ए, आंसर इज ए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन एयर, द स्टेप्स इज अटैच टू द, सॉरी, द स्टेप्स इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, भैया मैलस इंकस स्टेप्स होती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलस अटैच होगी, स्टेप्स नहीं, ये गलत है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर विद द कैविटी विद द फेरिंग्स, बिल्कुल, मिडिल ईयर कंटेन थ्री ऑसिकल्स, मैलस इंकस स्टेप्स, द स्पेस विद द कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ, बिल्कुल, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भी एंडोलिम्फ, तो गलत सही क्या है फिर, अच्छा ओके, रॉन्ग पूछ रहे हैं तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 80, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कटाई इज नोन एज, हेयर सेल्स की बात कर रहे हैं तो स्टीरियोसिलिया, स्टीरियोसिलिया चेक करना, स्टीरियोसिलिया इज द राइट आंसर, स्टीरियोसिलिया इज द राइट आंसर। बच्चों एक बात और करनी है कि आज आपका 2 से 6 बजे तक मैराथन सेशन है जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट को पूरा डिटेल में NCERT से पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, ये चारों चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोशिश की जाएगी कि जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनको बताया जाए और मैक्सिमम बेनिफिट। और एक बात और, कल का जो सेशन होगा वो थोड़ा देर तक का होगा, 11 से हो सकता है 1 बज जाए आपको, क्योंकि कल का सेशन भी मैराथन सेशन होगा जिसमें हम 200 क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कराएंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, और अगली क्लास भी काफ़ी देर तक होगी जिसमें हम बात करेंगे जेनेटिक्स के 200 सवाल की, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस में भी 200 क्वेश्चन, जेनेटिक्स में भी 200 क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी लंबे सेशन होंगे ये, और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने की उम्मीद मैं समझता हूँ, ठीक है। तो 2 बजे जरूर उपस्थित रहें, आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। 81, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एयर प्ले नो रोल इन हियरिंग सच एज एट सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड, तो यूस्टेशियन ट्यूब का होता है, ऑर्गन ऑफ कर्टाई भी होता है, एयर आर्टिकल्स वाइब्रेशन में हेल्प करते हैं, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स का हेयरिंग में कोई रोल नहीं है, सिर्फ बॉडी बैलेंस में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। 82, ऑर्गन ऑफ कर्टाई हेल्प्स इन हेयरिंग में, मदद करेगा ऑर्गन ऑफ कर्टाई, बिल्कुल सही बात है, ऑर्गन ऑफ कर्टाई हेल्प इन हेयरिंग, ठीक है। 83, वाइब्रेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आर एम्पलीफाइड अप्रॉक्सीमेटली 20 times इन द ओवल विंडो, ये फैक्ट आपको याद रखना है, 20 times इन द ओवर विंडो, कितना, 20 times,
द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द इनर ईयर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बॉडी बैलेंस की जब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक आंसर होता है, एंड दिस इज द वेस्टिबुलर ऑपरेटस। बिना पढ़े वेस्टिबुलर ऑपरेटस। 85 गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल लूप। अब आपको यहां पहचानना है कि यहां पे क्या है। तो ए जो आपका है ये क्या है, ए इज व्हाट, ए इज पेरिलिम्फ। क्या है ये, ए इज पेरिलिम्फ। बी इज व्हाट, बी इज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। सी इज व्हाट, सी इज इंडोलिम्फ। एंड डी इज व्हाट, इतने से तो कर लेंगे महाराज आंसर 85 में। ए पेरिलिम्फ, बी टेक्टोरल मेम्ब्रेन, सी इंडोलिम्फ। यस हो गया, बी आंसर क्या होगा, बी आंसर हो गया। चलिए 86 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन क्योर पार्किंसंस डिजीज। कौन पार्किंसंस डिजीज को क्योर कर सकता है, गाबा, एस्टिलकोलिन। एमबीबीएस करिएगा तो पूरी रिसर्च करिएगा, फिलहाल आंसर यहां पर डोपामिन होगा, याद कर लेना भैया डोपामिन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का धीरे धीरे लॉस हो जाता है और इसमें एसिटिलकोलिन एब्सेंट हो जाता है। तो अल्जाइमर डिजीज करेक्टेड बाय डोपामिन, एंड डिफिशियंसी किसकी होगी जब ये होगा, तो डिफिशियंसी होगी एसिटिल कोलिन की। तो आंसर इज बी एट देयर। ये आज के सेशन का लास्ट सवाल, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द कोलाबोरेशन विद अस, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेशन 2 to 5 मैराथन सेशन रिप्रोडक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, कल के लेक्चर में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 200 क्वेश्चन होंगे 11 से 1 बजे तक कम से कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।